गाइस, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है नंबर का कंपैरिजन सीख लिया होगा, राइट? नंबर के कंपैरिजन में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा था? वी वर ऑन द स्पेस, और यहाँ पर हमको जो है ये स्मॉल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो है साइन का यूज करना था इन सभी में. सो आई होप कि आप लोगों ने ये पूरा कर लिया. और फिर इस सेकेंड वाले टास्क में आपको क्या करना था, जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसको बस कलर करना था, राइट? तो वेल, होपफुली आपने ये दोनों काम कर लिया हो. अब ये वाला काम तो और भी आसान है भाई. क्या है इसमें? ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट एंड मीट द डायनासोर. मतलब समझे आप कि अगर आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक के डॉट्स को मिला देंगे ना, आपके सामने डायनासोर बन जाएगा. स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट मतलब कि आपको इतने सारे नंबर्स को ऑर्डर में डालना होगा. मैं भी कोशिश करके देखूं क्या आपके साथ, देखते हैं. ओके, सो आपके पास यहाँ पर 6 है, इट विल कम टू 7. अब 8 वगैरह तो कहीं नहीं है ना, 8 नहीं है, तो 15 सीम्स टू बी द नेक्स्ट वन. चलो 15 तक चलते हैं हम लोग. 15 के बाद ट्वेंटी फोर, 24 के बाद क्या आ रहा है, 34. 34 से 43, 43 के बाद आई गेस यू हैव गॉट लाइक 55, 57, 60, और या 60, फिर 62, 70, 74, 76, 79, 80, 82, 82 के बाद क्या है, 88. ओके, 88, 93, 96. क्या हुआ, बन गया क्या डायनासोर? ओके, यस, बन गया हमारा डायनासोर, क्योंकि 96 से अब हमें कहाँ जाना है, 99. ये हो गई डायनासोर की गर्दन, ये हो गई बॉडी, ये चारों पैर, और इधर पूंछ भी बन गई है ना, प्रिटी सा डायनासोर. आप लोग अपने अपने बुक में इसको पूरा कर लीजिएगा. ओके, डोंट वरी, इट्स जस्ट सिंपल. आपको जो है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक जाना है नंबर्स को मिलाते हुए. एंड हियर वी हैव गॉट अनदर गेम. और इस गेम में क्या करना है पता है? इस गेम में आपको स्मॉलेस्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मूव थ्रू बिगर नंबर्स टू रीच होम फास्टेस्ट. 10 से शुरू करके आपको बड़े नंबर्स की तरफ जाना है, और तेजी में, सबसे तेजी में घर का रास्ता खोजना है. और आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर आप गलती से भी किसी छोटे नंबर पे चले गए. तो बेसिकली देखो, आपको यहां से शुरू करना है. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज योर एंड पॉइंट. ये आपका जो है एंड पॉइंट है होम. और आप सिर्फ जो है छोटे से बड़े नंबर की ओर जा सकते हैं. अगर आप गलती से भी बड़े से छोटे पर चले गए, तो फिर आपको वापस जो है 10 से शुरू करना होगा. तो कौन सा रास्ता बढ़िया होगा? इसको क्या चाहिए, रिंग चाहिए ना? तो मतलब इसको एप्पल की खोज में नहीं जाना है, इधर इधर कहीं नहीं जाना है, सीधा इसको किधर पहुंचना है, होम तक. तो कैन यू फाइंड द वे? वेल, ये वाला गेम आप खेलिएगा. ओके, अब इसके बाद जो एक लेसन है, चूंकि आपने काफी गेम खेल लिया, तो गेम के बाद एक सीरियस वाला लेसन करते हैं. यहां पर हम जो है एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे. एसेंडिंग का मतलब होता है, ये जो एसेंडिंग लिखा हुआ है ना, एसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम. ओके, क्या हुआ मतलब इसका, बढ़ते हुए क्रम में. ऐसे तो लेट मी शो यू. जैसे मान लो कि 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना नंबर. ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, राइट? अगर मैं 6 7 8 9 10 ना करूं, मैं उसकी जगह पर 12 कर दूं, 45 कर दूं, 57 कर दूं, 70,
और कर दूं, राइट। अभी भी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, अरे नहीं ये गड़बड़ हो गया ना, फोर रहेगा तब तो डिसेंडिंग हो गया, अब असेंडिंग हो गया, ट्वेल्व, ट्वेल्व से बड़ा फोर्टीन, फोर्टीन से बड़ा सिक्सटी सेवन, और सिक्सटी सेवन से बड़ा सेवेंटी फोर, इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें जो तीन जो है यहाँ पर नंबर्स के सीरीज, एक इस फ्लावर का हो गया आपका सामने में, इस फ्लावर पर देखो कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है, एलेवन, सिक्सटी वन, सेवन, ट्वेंटी सिक्स, फोर्टी टू एंड थर्टी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखा, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास पेटल्स है ना, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, नाइन, तो नाइन को सबसे पहले दिया, राइट। नाइन से ठीक बड़ा कौन है, ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर को दिया इधर, ट्वेंटी फोर से ठीक बड़ा कौन है, फोर्टी सिक्स, तो फोर्टी सिक्स आ गया ना इधर, फोर्टी सिक्स के बाद देखो उससे ठीक बड़ा कौन है, फिफ्टी फोर है, तो फिर फोर्टी सिक्स से कहाँ गया सीधा, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर आ गया इधर, फिफ्टी फोर के ठीक बाद कौन है, सेवेंटी नाइन, तो सेवेंटी नाइन आ गया, सेवेंटी नाइन के बाद सीधा कौन है, एट्टी एट, एट्टी एट आ गया, फिर जो है नाइन्टी फाइव, ऐसे करके ही जो है असेंडिंग ऑर्डर में डाला, ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा, दिस इज व्हाट यू कॉल असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सफर। अब ऐसे ही आप यहां पर लिखिएगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, सेवन, राइट, सेवन के ठीक बाद कौन है, सेवन के बाद कौन आएगा, तो सेवन से बड़ा है, ठीक बड़ा है इलेवन, इलेवन के ठीक बाद ट्वेंटी सिक्स, क्योंकि रिमेंबर थर्टी हम नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ट्वेंटी सिक्स उससे छोटा है, सो यू विल हैव टू राइट, ट्वेंटी सिक्स, ओ सॉरी, ओके, 26, इस तरह से 26 के बाद 30 होगा, फिर जो है 42 होगा, फिर 61 होगा। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जो नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता हुआ जाना है इधर से, ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रियली केयर अबाउट। तो ये वाला भी आराम से कर लोगे, राइट, सबसे छोटा कौन सा है पहले उसको पहचानो, नाइन, देन ट्वेल्व, देन थर्टीन, राइट, आफ्टर थर्टीन व्हाट वी हैव, थर्टीन से ठीक बड़ा कौन होगा भाई, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स के ठीक बाद आई गेस वी हैव गॉट लाइक फोर्टी फाइव इज द विनर लुक्स लाइक, राइट, फोर्टी फाइव से ठीक बड़ा कौन होगा, फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स से ठीक बड़ा एट्टी वन, उससे बड़ा एट्टी फाइव, और एट्टी फाइव से बड़ा नाइन्टी सिक्स, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दोगे इधर आप, सेम यू कैन डू विद दिस, इधर भी आप कर सकते हो। अब अगला टास्क जो है दैट इज अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे असेंडिंग हो गया ना, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, वैसे ही जो है डिसेंडिंग जो है वो हो गया सबसे बड़े से सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से सबसे छोटा, जैसे यहाँ पर सारे नंबर्स है ना, सबसे बड़ा कौन है पहले उसको चुनो, जैसे हमने पिछले वाले में सबसे छोटे से शुरू किया, यहाँ सबसे बड़े को चुनो, 90, 90 से ठीक छोटा कौन है, 73, 73 से ठीक छोटा 60, 60 से के जस्ट बाद कौन आएगा, 41, 41 से ठीक छोटा 35, 35 के ठीक बाद कौन है, 19, फिर 12, फिर 7, फिर 2, डन, ऐसा ही इधर भी है ना, देखो तो 99, 73, 60, 41, 35, 19, 12, 7 एंड 2, दैट्स द ऑर्डर, यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वैल्यू जो है वो घटती जा रही है, राइट, लेफ्ट टू राइट वैल्यू जो है वो लगातार घटती जाएगी। ओके, नाउ यू कैन डू द सेम विद दिस, इनको भी आप ऐसे ही जो है सबसे बड़े से शुरू करिएगा, तो लाइक इसमें सबसे बड़ा कौन है, 96 है ना, तो 96, फिर 95, देन 85, देन
56, फिर 49, फिर 45, इससे छोटा 32, 18, 17, ऐसे करके आप इसको जो है राइट टू लेफ्ट आप सबसे ग्रेटेस्ट से शुरू करिएगा, दैट इज योर राइट 96 से आपको शुरू करना है, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट वन, 17, 17 तक आपको पहुंचना है। सो आई गेस इट्स प्रेटी सिंपल, इजंट इट? काफी आसान काम है, इजीली कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, ओके? और फिर जो है हम अगले क्लास में नंबर पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, ओके? बाय बाय।